गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर को हम लोग हल करेंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है ये क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों के पास एक क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन, यानी पांच क्वेश्चन आपको नोट किया गया है। इन पांचों क्वेश्चन को पहले बताया जाएगा। देखिए कैसे, एक परिमेय संख्या दस का दशमलव प्रसार, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर क्या है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव क्या होता है, एक अशांत होता है कि शांत होता है, कि इन दोनों होते हैं, शांत या अशांत दोनों होते हैं, या फिर कुछ भी नहीं होता है, नॉन ऑफ दिस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। अगर हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं परिमेय संख्या के, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है पांच बटे दो, अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 2.5। यानी कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से या किसी भी नंबर से, अगर उसका डिवीजन एक फिक्स नंबर के बाद से रुक जाता है, उसे हम लोग कहते हैं शांत, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ठीक है। अगर ये डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड नहीं रुक रहा है, जैसे कि आप हम 10 से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये रिपीट होता रहेगा। देखिए 3.33 आता रहेगा, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं अशांत, है ना। इसका मतलब हमें जो हमारे रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, वो सदैव क्या होती है, शांत भी होती है अशांत भी होती है। अगर यहाँ पे आपका एग्जाम मतलब ऑप्शन दोनों नहीं दिया रहता तो आपका आंसर क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा आंसर आपका, सी होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन टू का जवाब हमसे पहले देते रहे, जब तक हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन टू, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन थ्री, तो आप लोग कमेंट में सबसे पहले अपना जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या होगा, ऐसे करके आप पांचों या 20 क्वेश्चनों का जवाब आप दे सकते हैं हमसे पहले। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, यानी कि नॉन जीरो कोई रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, सदैव क्या होता है, ये हमको बताना है। क्या होता है, एक रेशनल नंबर भी इतना होता है कि इरेशनल नंबर होता है, कि रेशनल होता है या इरेशनल नंबर होता है, तो या फिर क्या होता है, वन होता है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, रेशनल और इरेशनल में गुणा करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 2 ले लिए, एक रूट में 5 ले लिए, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर होता क्या है, देखिए क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, जिसे नहीं लिख सकते उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं हम लोग, 2 और 5 का जब रूट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 मिलेगा, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसा भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही होगा। यानी कि किसी भी रेशनल नंबर और इस इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका इरेशनल नंबर मिलेगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कमेंट में अपना जवाब देते रहिए हमसे, जल्दी देखते हैं किसका सबसे पहले जवाब आता है, हम कमेंट में देखेंगे। जिसका जल्दी जवाब आएगा उसका हम अपने कमेंट में उसका नाम पिन कर देंगे, कि इसने ने अच्छा जवाब दिया है, सबसे पहले जवाब देने वाले लड़के का नाम। x इक्वल टू 0 एक रेखा है और ये एक रेखा है, कह रहा है इन दोनों की प्रतिच्छेद बिंदु को बताइए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब जब कोई भी दो लाइन पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका जो सोल्यूशन होता है कॉमन सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, यानी जब कोई दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो दोनों लाइनों का जो सोल्यूशन होता है क्या होता है, कॉमन सोल्यूशन होता है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 दिया है और एक लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हमें यहाँ निकालना क्या है, x की वैल्यू 0, देखिए x वाला 0 वाला ये आंसर होगा हमारा, y वाला 0 नहीं आंसर होगा। तो देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे हम लोग तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, जब यहाँ 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 3y = 12, यानी ये तो 0 हो गया, यानी y इक्वल टू क्या होगा, 12/3, यानी कितना हो गया, 4। यानी कि हमारा सोल्यूशन कितना है, x का मान y होता है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितना है, 4, यानी कि 0, 4 जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका सही होगा इसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे जानते हैं, चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या, कौन कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे, माने कोई संख्या मान लेते हैं कोई भी, जिससे डिवाइड करने पर, इसमें डिवाइड करने पर और इसमें डिवाइड करने, इसमें जब डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या ए है, इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 5 बचता है,
70 में उस संख्या से डिवाइड करते हैं तो 5 बचता है, और 125 में करते हैं तो 8 बचता है। इसे आप लोग ऑप्शन से लगा सकते हैं। देखिए अगर देखिए 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और इससे इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। तो उस सॉल्व कैसे करते हैं इसे, देखिए 70 में से रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, तो 70 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 65 आएगा, और 125 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 117। अब देखिए इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ इसका निकालेंगे 117, और 65 का जब एचसीएफ निकालेंगे आपका क्या आएगा, देखिए 65 तो कभी आ नहीं सकता है क्योंकि और उससे बड़ा दोनों संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, और 65 कभी होगा इसका मतलब क्या होगा 13, यानी कि ए जो होगा a=13 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, ये आपका 5वां क्या है, 2x + ay = 1, 2x + 2x + ay - 1 = 0 लिख सकते हैं, और 3x - 5y - 7 = 0 कह रहा है का कोई हल नहीं होगा तो ए का मान क्या होगा, यानी जब किसी का हल नहीं होता है उसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 और ≠ c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ, कब नहीं हल होता है, जब दो रेखाएं आपस में क्या होती हैं समांतर हो जाती हैं तब ये प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कहीं सोल्यूशन मिलने का चांस ही नहीं है, इसलिए ये कंडीशन बनता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 है। तो आइए a1/a2 कितना, a1 कितना है आपका, a1 आपका है 2, और a2 कितना है आपका, a2 आपका है 3 है, = क्या होगा b1 कितना है 2a है, और देखिए यहाँ पे -5 है। अब देखिए इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो -10 हो जाएगा, -10/3 = a, यानी कि a का मान कितना आ गया -10/3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी, जो कि एकदम 100% क्या